hello everyone welcome to inspired corner yesterday we read and discussed full poem the duck and the kangaroo now in this session we will discuss its exercise let's start working with the poem question number 1 Taking words that come at the end of lines. Write five pairs of rhyming words. Read each pair aloud. For example, pond beyond. Question number one. Pressure number eight. Taking words that comes at the end of the line. वाक्य के आखिर में आने वाले शब्दों को लो राइट फाइव पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स और पांच जोड़े बनाने हैं अपने rhyming words के। जो भी मतलब पोम के ला लाइन्स की पोम की जो लाइन्स है उनका लास्ट वर्ड है उन्हें लेने हैं और उनसे जोड़े बनाने हैं पांच रीड ईच पेयर अलाउड और जितने भी जोड़े बनाए बनाएंगे उन्हें जोर से पढ़ना है फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए पॉन्ट बियॉन्ड अब हम आंसर उत्तर होप स्टॉप पॉन्ट बियॉन्ड बैक क्वेक बोल्ड कोल्ड रॉक्स सॉक्स रेडी स्टेडी अब देखो ये हमने पांच पेर बना लिए ना कौन कौन से होप स्टॉप पॉन बियॉन्ड बैक क्वैक बोल्ड कोल्ड रॉक्स सॉक्स रेडी स्टेडी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट द डायलॉग्स जो डायलॉग्स दिए हैं इन्हें पूरा करो डक डियर कैंगरू

वर्ड लिखे हुए हैं ये क्या है फिलिंदा ब्लैंक्स है ये हमने फिलिंदा ब्लैंक्स फिल किए हैं आंसर उत्तर डक डियर यू गिव मी अ राइट ऑन योर बैक अभी गिव मी अ राइट ऑन योर बैक है ये क्या है फिलिंदी ब्लैंक्स है भरा है जो हमने कैंग्रू विथ प्लेजर माई डियर डक दो यूर फिट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड एंड आई माइट कैच र्यूमेटिज्म दैट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम आई विल अब इसमें हम फिलअप फिल कर रहे हैं वी आर वॉस्ड सॉक्स एंड क्लॉक एंड स्मोक अगार एवरी डे टू कीप आउट द कोल्ड अब आंसर में आप देख रहे होंगे जो तो ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं वो हमारे क्वेश्चन में वर्ड्स दिए हैं और जो ब्लू कलर से लिखे हैं ये हमने फिलिंदी ब्लैंक्स फिलअप किए हैं क्वेश्चन नंबर थ्री द कैंग डज नॉट वांट टू कैच रूमेटिज्म स्टॉप दिस वर्ड इन स्टेंजा थ्री

वाई डज द सेकेंड पार्ट बिगिन विद द कैपिटल लेटर और दूसरा भाग का पहला अक्षर कैपिटल क्यों बड़ा अक्षर में से क्यों शुरू किया गया है आंसर द वर्ड रूमेटिजम इज स्पेल्ड डिफरेंटली फॉर रिदम इन द स्टेंजा इट इज दिटन इन टू पार्ट्स रू Plus Mattis, rhymes with kangaroo. Mattis begins with the capital letter because generally the first word of every new line of a poem starts with the capital letter. The word rheumatism is spelled differently for rhythm in the stanza. Shabd rheumatism. हिज्जे लय बनाने के लिए दो भाग भागों में किए गए हैं मतलब इसको लय बद करने के लिए दो भागों में बांटा गया है इट इज रिटर्न इन टू पार्ट रू प्लस मैटिस यह दो भागों में लिखा गया है रू जमा मैटिस रू राइम्स विद कैंग रू की ले कंगारू से मिलती है मैटिस इज बिगिन विद द कैपिटल लेटर बिकॉज जनरली द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी न्यू लाइन ऑफ अ पोम स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर मैटिस बड़े अक्षर से आरंभ होता है क्योंकि कविता में प्रत्येक पंक्ति के पहले शब्द का पहला अक्षर बड़ा होता है क्वेश्चन नंबर फोर डू यू फाइंड द पोम ह्यूमरस रीड अलाउड लाइन्स विद मेक यू लाफ क्वेश्चन नंबर फोर डू यू फाइंड द पोम ह्यूमरस क्या कविता हास्यपूर्ण है रीड अलाउड लाइन दैट मेक यू लव जो लाइने आपको हंसी देती हैं हंसाने वाली हैं जो इस कविता में लाइन है उन्हें जोर से पढ़ो आंसर यस द ह्यूमरस आंसर उत्तर हाँ कविता हसीपूर्ण है टेक फॉर एग्जाम्पल उदाहरण लो बट क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल एंड एवरी डे आई विल स्मोक अब देखो पहले प्रद क्या है बट क्वाइट एट द एंड पूछ की जो लास्ट है वहां पर बिल्कुल शांति से स्थिर होकर बैठना और दूसरा क्या है एंड एवरीडे सिगार आई विल स्मोक मतलब मैं प्रतिदिन एक सिगरेट पीऊँगा। जब डक सिगरेट पिएगी तो क्या कंगारू की ठंड भाग जाएगी है ना प्रद Thank you everyone for listening me. Thank you very much.